देखो, हमने जो लास्ट क्लास में जो किया था, तो हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे थे जी का. उसमें हमने ऑल्टीट्यूड के साथ पढ़ा था. फिर जब हाइट की वैल्यू कम होती है, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के परसेंटेज कैलकुलेट की थी. फिर डेप्थ के साथ किया था. याद है ना सब चीजें? तो यस सर। जी सर, हम नेक्स्ट थर्ड केस मान लेंगे, जो भी है एबीसी मान लेंगे. उसमें है विद फोर्थ एक्स. विद चेंज ऑफ प्लैनेट पहला केस तो हमने किया था ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ. उसमें कहा था कि भाई इक्वेटोरियल रेडियस अराउंड 21 किलोमीटर ज्यादा होती है पोलर रेडियस से, तो वहां पे जी लीस्ट होता है और पोल्स पे होता है मैक्सिमम. दूसरा था हाइट के साथ, तो फिर था डेप्थ के साथ. अब की बार है विद चेंज इन. तो हमने ये बात देखी कि अगर हम किसी भी सरफेस ऑफ प्लैनेट के ऊपर है, मतलब ये जगह, तो सरफेस या आउटसाइड पॉइंट के लिए किसी भी प्लैनेट के टोटल मास को एज अ पॉइंट मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और सरफेस के ऊपर जो फोर्स ऑन यूनिट मास से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यही तो होगा अगर तुम्हें याद हो सारी चीजें पीछे. ठीक है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता. अब जो मास होता है, ये होता है भैया वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट इनटू डेंसिटी. अब जी इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई रो. यस सर। अब तुम ये देखो, यहाँ पे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो जी जो है ये रो इनटू आर के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, यस सर। तो सिचुएशन ऐसी होगी यार थोड़ी सी कि देखो, मान लीजिएगा कि दो प्लैनेट सेम रेडियस के हैं. ऐसा हो सकता है पूरे यूनिवर्स में भैया दो प्लैनेट सेम रेडियस के हों? बहुत सारे प्लैनेट सेम रेडियस के होंगे, यस सर। पर ऐसा कोई है कि जो मटेरियल है एक की सरफेस के अंदर मिलते हैं वही दूसरे की सरफेस के अंदर मिलते हैं. दोनों का मटेरियल कंटेंट अलग अलग हो सकता है. ठीक है ना? जी सर। तो जब दोनों का मटेरियल कंटेंट अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों की डेंसिटी अलग अलग है. ठीक है ना? तो यस सर। इसमें हम ये कहेंगे कि ऐसे दो प्लैनेट जिनके लिए डेंसिटी और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन सेम, मतलब किसी की रेडियस छोटी है डेंसिटी बड़ी है, दूसरे की रेडियस बड़ी है डेंसिटी छोटी है. मान लो एक की डेंसिटी 3 है रेडियस 4 है, दूसरे की डेंसिटी 4 है रेडियस 3 है, एक की डेंसिटी 6 है रेडियस 2 है, एक की डेंसिटी 12 है रेडियस 1 है, तो इन सब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस सेम होगा. यस सर। समझ गया ना मैं सब लोग ये बात? तो ऐसे दो प्लैनेट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर करेगा जिनके लिए प्लैनेट की डेंसिटी और उसकी रेडियस का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट. वेरिएशन इन जी इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, क्योंकि स्कूल स्कूल वाले ऐसी चीजों को प्रिफर करते हैं. वेरिएशन इन जी ड्यू टू
रोटेशन ऑफ अर्थ. इसको हम लोग लैटिट्यूड इफेक्ट भी कहते हैं. अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. मतलब जब हम अर्थ की सरफेस पे हैं, मान लो हम डायरेक्शन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सनराइज सनसेट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, पर जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं स्पेस में, तो फिर जो डायरेक्शंस हैं वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ गायब हो जाती है. फिर क्या करना होता है कि जैसे तुम अगर मान लो तुम क्योंकि ऊपर जाके ईस्ट वेस्ट तो काम ही नहीं करेंगे, तो मान लो तुम इस जगह से अपना प्लेन फ्लाई करा रहे हो, तो बेसिकली तुम्हें ना ये बताया जाएगा कि तुम एक लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है. ये भी ये है ना, सुबह तुम यहाँ से उड़ रहे हो मान लो इस जगह से, और सपोज कीजिएगा कि तुम्हें ना यहाँ पे जाना है, दूसरा डेस्टिनेशन तुम्हारा भी मान लो ये है यहाँ पे, तो तुम्हें यहाँ से वहां जाना है, तो तुम यहाँ डायरेक्शन तो कुछ हवा में हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा. तो तुम अर्थ को ये बात तुमने 9th में 6th में 7th में सब जगह पढ़ाई है, अर्थ को अगर पैरेलल लाइंस की फॉर्म में अगर कट कर देते तो सारी किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. इस तरह से समझ रहे हो? यस सर. मतलब कोई भी अर्थ की लोकेशन, जैसे मान लो किसी आदमी को भाई यहाँ पे पहुंचना है इस जगह, तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन से इतना ऊपर जाना है तुम्हें, और पोलर लाइन से इतना इधर जाना है, तो इस कंट्री की लोकेशन ये है. समझिए? यस सर. मान लीजिएगा कि यहाँ पे कोई चीज है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ अर्थ को किसी एक लोकेशन से, ये एंगल जो है ये रेडियस जो बनाती है एंगल इक्वेटर के साथ, ये एक्चुअली में ये लैटिट्यूड कर समझिए. नहीं समझे? यस सर, आ गया. और ये जो 90 माइनस लैम्डा है, ये कहलाता है कोलैटिट्यूड. ठीक है? ठीक है सर. अब तुम ये देखो कि अगर अर्थ की ग्रेविटी की हम बात करते हैं भाई, तो अर्थ सारी चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसको भी करेगी इधर की तरफ. कितना फोर्स लगाएगी? mg. पर यहाँ होता क्या है कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे नहीं है. अर्थ इस एक्सिस के अबाउट सपोज कीजिएगा रोटेट हो रही है. ठीक है ना भाई? तो तुम क्या कहोगे कि अर्थ के ऊपर ये जो सिचुएशन है जिसको हमने रेड कलर के डॉट से डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी एक्चुअली में वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रही है. बोलो. यस सर. तो अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रही होगी, तो यहाँ पे तुम ये चेक करो कि इस वेट का एक कंपोनेंट तो अंदर चला जाएगा ना इधर की तरफ. Yes. तो जिसकी वजह से क्या होगा?
जिसकी वजह से ये होगा भाई कि इसका इफेक्टिव वेट का एक पार्ट तो सेंट्रिपिटल प्रोवाइड करने में यूटिलाइज होगे, या तुम इसका उल्टा भी समझ सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी जानकारी है। अगर हम अर्थ के ऊपर बैठे हैं और अर्थ रोटेट हो रही है तो हम कौन से वाले फ्रेम में, हम है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं किसी रोटेटिंग बॉडी को, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि रेडियली आउट होगा ऐसे होगा सो, और इसकी वैल्यू होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर उस सर्कल की रेडियस होती है जिसमें घूम रहा है, बेसिकली आर जो है वो ये वाली रेडियस है, ये आर, जबकि ये रेडियस ऑफ अर्थ। एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करनी, मतलब जो ऑब्जेक्ट तुम अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर अर्थ रोटेट ना होती तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता mg, जो उसके वेट को डिसाइड करता। अब ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ तुमने कह दिया कि यार इस पे तो ये दो फोर्स लगेंगे, बोलो। Yes, sir. तो इसका जो नेट फोर्स होगा क्या वो इन दोनों का रिजल्ट, इसका जो नेट वेट होगा क्या वो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा? ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल होगा 180 माइनस लैम्डा, क्योंकि अगर तुम इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे तो ये लैम्डा है इधर, ये पूरा 180 है, ये 180 माइनस लैम्डा, नहीं समझे? तो अगर हम ये कहने लगे कि यहाँ पर इफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस टू जी डैश, तो इफेक्टिव वेट कितना होगा mg डैश, बहुत ध्यान से समझते हुए चलें। अब ये जो ये mg डैश होगा ये एक्चुअली में रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेक्टर रिजल्टेंट दोनों फोर्सेस, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है देखिए। अब तुम ये देखो यहाँ m का स्क्वायर है, यहाँ m का स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक m ये है, एक m ये का स्क्वायर, पूरी तीन टर्म में से m स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो बाहर m आ जाएगा, और बाहर वो m इस लेफ्ट साइड के m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन m से फ्री हो जाएगी, बाकी g डैश और ये बाकी सारा रिलेशन बच जाएगा, ठीक है? Yes, sir. यहाँ हो जाएगा g डैश इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मेगा स्क्वायर प्लस प्लस, तो क्योंकि अगर तुम्हें याद है थोड़ा बहुत कॉस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। Yes, sir. 2g r square cos lambda. टू जी आर स्क्वायर कॉस, टू जी आर ओमेगा स्क्वायर,
बताओ भाई, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सबको समझ आ गया तो? अब तुम ये देखो, ये जो ये ओमेगा है एक्चुअली में, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। बोलो यस सर। कितनी होगी? 2π/T। मतलब एक पूरा राउंड अगर अर्थ रोटेट करती है तो कितना एंगल घूम जाएगी? 2π। और उस 2π। पाई एंगल को रोटेट करने में जो टाइम लगता है, किसी भी इंसिडेंट को रिपीट करने में जो टाइम लगता है, वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये टी टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे अगर तुम इसकी वैल्यू देखो तो अर्थ कितने टाइम में एक राउंड पूरा करती है? बोलो, जी सर। समझ रहे हो? अब यहाँ पे जो हम जब इसको जी को सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिए, तो हमें ये सब चीजें सेकंड्स में रखनी पड़ेंगी, नहीं रखनी पड़ेगी? यस सर। 24 hours, 60 minutes और 60 seconds। अब देखो यहाँ पे तुम इसको चेक कर रहे हो कि ये डिनोमिनेटर का पार्ट है और इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग बोलो। यस सर। नहीं समझ आ रही? क्या होगा फिर ये क्वांटिटी? क्या होगी? डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी क्वांटिटी में रखोगे, 0 0 0 आपकी चली जाएंगी, इतनी बड़ी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आएगी, तो इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होने से स्मॉलर, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि इसके साथ यहाँ और भी मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर आएंगे, इनसे ये थोड़ा और बढ़ सकता है, तो जिसकी वजह से ये क्वांटिटी हम रखेंगे, नहीं तो फिर जी डैश इक्वल टू जी आ जाएगा, उसका कुछ वैल्यूएशन का कुछ वही नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जी इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2g स्मॉल r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अगर तुम इस फिगर से यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये जो स्मॉल r है, देखो ये बात समझ आ रही है? ये स्मॉल r, ये r e कॉस लैम्डा, ये वाला एंगल तो लंबा ही होगा, राइट एंगल राइट एंगल देखता है। जब स्मॉल आर आर ई कॉस लैम्डा है तो मैं इसको रख दूँ वही जी डैश इक्वल टू जी स्क्वायर। सर ये नेगलेक्ट कैसे किया ऊपर? ये नेगलेक्ट चूंकि ये 2π/T में टी की वैल्यू देखी ना, रखे बहुत बड़ी वैल्यू है टी की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में होने से छोटी हो जाएगी, स्क्वायर वैसे छोड़ दिया उसको। ये कितना होगा आर ई कॉस लैम्डा, इसकी जगह स्क्वायर जी डैश कितना देखो जरा यहाँ पे, ये हो गया भाई आंसर जी बाहर निकल गया, ये वाली जो क्वांटिटी है ये स्मॉल है, तो यहाँ पे हम लोग फिर
बाइनोमियली उसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो वन प्लस एक्स टू दी पावर एन, वन प्लस एन एक्स, तो जब इस वन बाई टू को अंदर भेजूंगा तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू तो कैंसिल हो गए, आर ई ओमेगा स्क्वायर बाई जी, आर ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इंटू यहाँ पर वन प्लस x to the power n की फर्स्ट टू टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, वन प्लस एन एक्स। अब इस g को अंदर भेजेगा g माइनस, फिर ये g नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अब तुम ये देखो कि ये नेट g है उस लैटिट्यूड के लिए जो यहाँ पर हमने लैम्डा से डिस्क्राइब किया है, जैसे ये अर्थ की लोकेशन थी, तो इस पे जिस लोकेशन को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे थे उसको हमने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था एक्चुअली में इस जगह पर यहाँ पर, तो इसके लिए जो लैम्डा था वो ये था, तो इस तरह से चीजें वेरी करेंगे। अब तुम देखो ध्यान से, जैसे जैसे हम लैम्डा बढ़ाएंगे तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे पोल की तरफ, तो ये सर्कल देखो तुम ऊपर जाते टाइम सर्कल की रेडियस भी छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब आउटर सेंट्रीफ्यूगल कम लगेगा तो सारा का सारा वेट की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा ऐसे। तो यहाँ कॉस 90 जीरो होगा तो ये वाली टर्म जीरो, तो जी डैश इक्वल टू जीरो, इक्वेटर के लिए ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस टाइम पर जी मैक्सिमम अफेक्टेड होगा, मतलब वहाँ सबसे लीस्ट होगा। बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। सबको समझ आ गया ना ठीक से? जी सर। अब इसमें नेक्स्ट है, स्केप वेलोसिटी। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे अर्थ पे खड़े कहीं भी खड़े हो जाते हैं, होता क्या है कि तुम यहाँ से कोई चीज ऊपर थ्रो करते हो वो एक सर्टेन हाइट तक जाती है, तो फिर बेचारी अर्थ उसको खींच लेते हो, और जोर से फेंकोगे और दूर तक जाएगी, फिर वापस जा जाएगी, यही तो होता है। Yes, sir. तो अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो तुम बेसिकली उसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हो, ठीक है ना? जी सर। Yes, sir. तो जब तुम उसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कर रहे हो तो क्या होगा भाई, वो बेसिकली अपनी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके ऊपर को जाएगी, जब वो सारी की सारी एनर्जी एक सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो दोबारा से फिर वो अर्थ उसको अपनी ग्रेविटी में वापस खींच लेगी, तो दोबारा से फिर पोटेंशियल फिर काइनेटिक में कन्वर्ट होने लगेगी, तो जब वो तुम्हारे सर पे गिरेगी तो बहुत जोर से गिरेगी क्योंकि वो पोटेंशियल दोबारा से उतनी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी जितनी स्पीड तुमने उसको इम्पार्ट की, ठीक है ना? Yes, sir. तो अगर तुम किसी चीज को इतनी जोर से फेंको, मतलब देखो ये समझो पहले तो ध्यान से कि ये चीजें वापस आ क्यों रही है, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर अंदर ही उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जा रही है, तो वापस अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, पर अगर तुम उसे किसी भी तरह से इस अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड्री को क्रॉस करा दो, यहाँ पहुंचा दो, जस्ट क्रॉस करा दो बाहर, तो अब अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो खत्म हो गया ना उस पर। तो जब अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसके ऊपर खत्म हो गया और वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर चुका, तो वो वापस अर्थ की बाउंड्री में आएगी। अब नो तो अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात कि हम यहां से उसको इतनी स्पीड दें
कि वो इस बाउंड्री के बाहर जाके जस्ट यहाँ रुक जाए बस, क्योंकि अगर और ज्यादा स्पीड देंगे तो यहाँ रुकने की बजाय चलती रहेगी आगे, तो ज्यादा लिमिट की तो स्पीड की तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो कम से कम उतनी स्पीड दो जिससे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड्री क्रॉस कर ले और बस यहाँ जाके स्टे कर ले। तो अब वो अर्थ पे तो नहीं जा रही ना वापस, नहीं जाएगी। हम कहेंगे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अब एस्केप कर चुकी, जो सर ग्रेविटेशनल बाउंड्री है उसके जस्ट बाहर कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोर्स तो लगता ही होगा ना। जब ग्रेविटेशनल बाउंड्री से बाहर ही चली गई, जहां तक नेग्लिजिबल अमाउंट का फोर्स लगेगा इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल बाउंड्री है। ठीक है सर, बिल्कुल जीरो फोर्स जहां एक्ट करेगा हमें उसे उस डेस्टिनेशन पर लेके जाना है, तो तब हम कह देंगे कि भाई अब क्या हुआ, अब ये वापस नहीं आएगी। तो दैट मिनिमम वेलोसिटी विच कैन एंश्योर अ बॉडी और अ पार्टिकल टू मूव जस्ट आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ is known as escape velocity with respect to earth. और इसमें हम अगर अर्थ को चेंज करते हैं reference body के तौर पर तो उसी के respect में फिर escape velocity change हो जाएगी। कुछ समझ पाए भाई? नहीं। Yes sir. तो अब हम इसको calculate करने की कोशिश करते हैं जरा। देखो मान लो यहाँ पे एक object है, उसका mass है m, ये अर्थ है, रेडियस है आर ई, ये है इसका मास एम ई। अब पहले तो ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड्री में उसके सरफेस के ऊपर है। जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर करते हैं तो सरफेस या आउटसाइड पॉइंट जब कंसीडर होता है तो टोटल स्फेरिकल बॉडी का मास एक पॉइंट मास की तरह हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो जब हम इस लोकेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है वो एम ई मास की है और दूसरी एम है जो एक दूसरे से इतनी दूर है। इस बात से एग्री करता है या नहीं करता? yes. मतलब आउटसाइड या सरफेस पॉइंट के लिए हम अर्थ को भी एक पॉइंट मास की तरह सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, इस बात को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये स्मॉलर एम मास और अर्थ जो है वो आर ई डिस्टेंस पे, और अर्थ जो है वो इसको अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में बाइंड किए हुए है। तो पहले तो ये बताओ कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, ये तो हम पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट सिस्टम में। बोलो। यस सर। और ये बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसकी कितनी होगी? जीरो अभी तक। ठीक है ना? यस सर। अब तुमने क्या किया कि इसको उठा के यहां से फेंक दिया, तो तुमने उसको यहां से उठा के स्पीड इंपार्ट की वीई, वीई फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ Now it has acquired kinetic energy. तो अब kinetic energy initial कितनी होगी? Half m v e square. ये बता दो, इस बात से सब लोग agree करते हो या नहीं करते? Yes sir. अब जब ये भाई साहब अर्थ की gravitational boundary से just बाहर चले गए तो इसका मतलब ये infinity पे चले गए? Yes sir. तो u final माइनस जी एम ई एम अपॉन इन्फिनिटी, और वहां जाके ये रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अब एनर्जी तो कैन नेवर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्कवर्ड, ये तो कंजर्व रहती है, तो ये इनिशियल जो है ये फाइनल के इक्वल टोटल एनर्जी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी सर। तो भाई yes, sir. टोटल एनर्जी इनिशियल को जब मैं टोटल एनर्जी फाइनल से इक्वेट करूंगा तो ये माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन इनफिनिटी प्लस जीरो, ये भी तो जीरो ही हो गया। तो वी ई स्क्वायर कितना हो गया? 2 जी एम ई अपॉन आर।
बोलो भाई, किस बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। यस, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं नेक्स्ट पेज। तुम ये देखो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। एक्चुअल में जब तुम्हें ये इतनी बड़ी टर्म दिखाई दे ना कहीं पे कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ, यहाँ 6.67 नेटवर्क माइनस 11 मास ऑफ द अर्थ, इन सबका मल्टीप्लाई करने का तुम्हारे पास एक बड़ा काम मिल जाएगा। तो तुम इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ 9.8। तो हम इस तरह की चीजों को हमेशा एक छोटी टर्म में रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अभी हमने VE को पढ़ा है twice of GME upon RE का अंडर रूट, तो VE स्क्वायर था ना वो, ठीक है ना? Yes sir। तो अब तुम इस GME की जगह क्या रख सकते हो? GRE स्क्वायर हो जाएगा 2 GRE square upon RE to the power 1/2, कितना होगा? Twice GRE। बोलो भाई, कोई आवाज समझ आ रही है? आ रही है सर। और जब इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आया कैलकुलेट करके। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम इतनी तेजी से फेंक दो तो वो अर्थ सरफेस पे वापस नहीं लौटेगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल बाउंड्री से वो बाहर चली जाएगी, ठीक है? ठीक। तो ये तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया कहां से? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब अर्थ की सरफेस से। अर्थ से भाई, सरफेस के अंदर से भी तो फेंक सकते हैं। तो वहां पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, हमने इसलिए अर्थ की सरफेस के अंदर भी पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया था, तो उसकी हेल्प लेके हम ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फिर अंदर ले लेंगे। सेंटर से फेंकना हो तो सेंटर का ले लेंगे। तो इसलिए तुम एक बार थोड़ा सा इस पर फोकस करना घर जाकर कि मैंने तुम्हें क्या कहने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो तुम कहीं से भी कर सकते हैं ना, आउटसाइड द अर्थ से भी कर सकते हैं, विद इन द अर्थ से भी कर सकते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से भी। उसमें क्या चीज चेंज होगी? उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। समझ रहे हो ना? जी सर। अब कल से हम थोड़ा सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, बस एक कल वाल को परसों वर्षों तक जब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना भाई एक बार। ठीक, कुछ डाउट होगा तो फिर मेरे से पूछ लेना कल। थैंक यू सर।